कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में आलिया भट्ट के खिलाफ कार्रवाई होने की खबरें वायरल हुई। हाल ही में आलिया ने करण जौहर के घर हुई पार्टी अटेंड की थी, जहां कई सेलेब्स कोरोना के चपेट में आए। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आलिया को बीएमसी ने होम क्वारंटीन में रहने को कहा है, लेकिन वो रूल्स तोड़कर दिल्ली अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशंस पर चली गई। खबर आई कि उन पर बीएमसी कार्रवाई करेगी। खबरों के वायरल होने के बाद बीएमसी की ओर से जवाब आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी के उच्च अधिकारियों ने आलिया के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार किया। अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि अगर उन्होंने कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ट्रैवल की है तो उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन कटरीना कैफ ने पहली बार पति विकी कौशल और उनकी फैमिली के लिए बनाई स्वीट डिश, अपने कुकिंग स्किल्स को किया फ्लॉन्ट। पति परमेश्वर हुए खुश। दोनों भी एक्टर्स ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए तस्वीरें। दुबई में बुर्ज खलीफा पर 83 का मोन्टाज दिखाया गया। इस नजारे को वहां मौजूद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस इवेंट का वीडियो हो रहा है वायरल, डालिए एक नजर। वही आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की पूछताछ में सुकेश चंद्रशेखर ने श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ अपने कनेक्शन होने की बात कबूली है। सुकेश ने ईडी को बताया कि वो श्रद्धा कपूर को साल 2015 से जानते हैं। उन्होंने एनसीबी के केस में श्रद्धा कपूर की मदद भी की थी। सुकेश ने यह भी बताया कि उन्होंने राजकुंद्रा के लीगल केस को लेकर शिल्पा शेट्टी से संपर्क किया था। इसी साल राजकुंद्रा को अश्लील वीडियोस बनाने के केस में जेल हुई थी। जॉन अब्राहम आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सेलिब्रेशन की कुछ पिक्स शेयर किए, जिसमें वो अपने परिवार के साथ दिखे। डालिए उन पिक्स पर एक नजर। रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज आज हो चुकी है रिलीज। वेल स्पेशल फिल्म पर क्या कहना है रिपोर्टर्स का, आप खुद ही डालिए एक नजर। काफी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे तो, एकदम मतलब काफी टाइम के बाद अच्छी फिल्म देखने को मिली। लेकिन ज्यादा फोकस चूंकि एक्शन पे किया गया है तो, और करीब फिल्म का बजट आपको पता होगा 250 करोड़ का मैसिव बजट है, और फिल्म ऐसे एंड होती है कि लोगों को डेफिनेटली इंतजार रहेगा कि सेकंड पार्ट कब आएगा। सो पीपल डेफिनेटली विल वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द फिल्म। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म OMG 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, और अब इस फिल्म के सेट से अक्षय का एक अनसीन वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिर पर जटा, नीली धोती और गले में माला डाले उनका शिव अवतार वायरल हो रहा है। डालिए एक नजर। दुबई में रिसेंटली दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म 83 का प्रीमियर हुआ। वेल इसके बाद जब कपल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो उन्होंने मीडिया को बुरी तरह इग्नोर किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। डालिए एक नजर। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के बाद फैंस अब इन्हें पर्दे पर साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि विकी और कटरीना ने साथ में कुछ प्रोजेक्ट साइन किए हैं। रिपोर्टेडली इस जोड़ी को एक हेल्थ प्रोडक्ट के विज्ञापन का ऑफर मिला है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी। इसके अलावा विकी और कटरीना ने एक लग्जरी ब्रांड के लिए एक विज्ञापन साइन किया है। सारा से लेकर रिंकू तक, तो वही बॉम्बे से लेकर बिहार तक। सारा ने इसी कैप्शन के साथ शेयर किए दो बहुत खूबसूरत पिक्स, जिसमें वो पीछे मुड़कर देख रही है, साथ ही सनसेट को एंजॉय कर रही है। डालिए इस पोस्ट पर एक नजर।